हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हैं आप लोग? तो आज आपके सामने ए ऑनलाइन सॉल्यूशन की तरफ से क्लास 10 का मैथ का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और वो है मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। यहां पे मैं आपके लिए कुछ सवाल लाया हूं, धीरे धीरे आपको इस तरह से धीरे धीरे कुछ कुछ सवाल करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं बता दूंगा, और जो इसका मेन मतलब बेसिक जो तरीका बनाने का वो भी आप सीखते जाओगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और आप अपने क्वेश्चन को यहाँ पे हल करने की कोशिश करें, और कोशिश ये करें कि पहले आप हल कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद हल कीजिए, उसके बाद फिर वीडियो को आगे बढ़े, तो मेरे ख्याल से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं सवाल हमारा फर्स्ट है, क्या बोलता है सवाल, यहाँ पे देखते हैं इसका सोल्यूशन करते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यदि इसकी परिमाप जो है 44 सेंटीमीटर, ठीक है, यदि इसकी परिमाप जो है 44 सेंटीमीटर है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है और परिमाप कितना दिया हुआ, 44 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो यहाँ पे लिखते हैं परिमाप। अब देखो जैसे ही सवाल बोले ना, सवाल क्या बोल रहा, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, मतलब जो निकालने के लिए पहले बोला जा रहा, पहले जानो को उसका फॉर्मूला क्या होता है ना, जो चीज निकालने के लिए बोला जाए उसका पहले फॉर्मूला आपके माइंड में आना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, है ना, और आपको पता होता है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्थांश मतलब होता है ये जो वृत्त है ना, इसका चार भाग काट दीजिए और जो एक भाग बचेगा वही होता है। हालांकि एक ये क्या बनता है, ये जो ऐसे जो दिख रहे हैं ये बना एक त्रिज्या खंड बना, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये जो कोण बन रहा ना, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा, तो यहाँ पे अगर 90 सेट करते हैं, 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, देखो 9 × 36 कट जाएगा, 0 0 कटेगा, 9 × 36, तो क्या बचेगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो पता क्या चला, चतुर्थांश जैसे जब भी चतुर्थांश बोले तो आप ये नहीं भी लिखेंगे, सिर्फ लिख देंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब आपको पता चल गया कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमको क्या क्या चीज चाहिए, मटेरियल क्या है, पाई का वैल्यू तो जानते हैं आप, 1/4 तो लिखा हुआ, आर चाहिए। तो आप देखते हैं त्रिज्या इसमें है कि नहीं, देखिए क्या इसमें दिया हुआ, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल दिया हुआ, इसकी परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप जब दिया हुआ है तो त्रिज्या तो नहीं दिया हुआ है, तो जो कुछ यहाँ पे परिमाप दिया रहे या तो कभी कभी आयतन दिया रहेगा, है ना, तो क्या करना है उसी से आप त्रिज्या या ऊंचाई जो निकालना है निकालेंगे, ठीक है। तो इस परिमाप से हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, तो लिखते हैं परिमाप, वृत्त का परिमाप है, तो परिमाप बराबर क्या होता है, चूंकि परिमाप बराबर होता है 2πr, क्या होता है 2πr होता है, और परिमाप का देखिए यहाँ पे दे दिया कितना, 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर दे दिया, तो 2 और पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, और r का वैल्यू तो r ही लिखना है। देखिए इसको करते क्या, जब भी समीकरण बना रहे और बीच में बराबर है ना, तो इसके नीचे तो 1 छुपा हुआ है, तो ऊपर को ऊपर से काट सकते हैं, समीकरण को इधर को समीकरण इधर से काट सकते हैं, और नहीं करना चाहते तो देखो ये क्रॉस गुना कर दो, है ना, तो क्रॉस देखो गुना कर दो, अगर इसको काट दीजिएगा एक बार यहाँ से यहाँ यहाँ से, तो सिर्फ आर बराबर 7 हो जाएगा। ऐसे देखिए इसको गुना कर दिया, इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा 2×22×r, अब आर का वैल्यू निकालना है, तो आर का वैल्यू निकालना है तो ये दोनों कहाँ चल जाएगा, नीचे चल जाएगा, देखिए 2×22 हो गया। अब देखिए 22×44 2 2 कट गया, क्या बचा 7 आया, और ऐसे भी अगर काट देते यहाँ से यहाँ आप काटते हैं तो फिर आर बराबर क्या बचता 7 बचता। तो हमको ये पता चल गया, एग्जाम में आप ऐसे मत करना, नीचे बनाते जाना, ठीक है, यहाँ पे आपके लिए मैं बता रहा हूँ। अब चतुर्थांश निकालना है, इसलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो 1/4 पाई का वैल्यू कितना है 22/7 है, आर कितना हमारा है 7 आ गया, तो 7×7 7 7 काट दो, 2×2 = 4, 11×2 = 22, कितना गया जी 11×7 = 77 होता है जी, अब बटे 2 तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया आंसर हो गया। जाओ तो इसको पॉइंट में भी आप इसको बदल सकते हो, ओके तो ये हमारा आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, चूंकि क्षेत्रफल निकालना है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। सवाल देखो ये सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में आता है लेकिन रियल में आखिर बनता कैसे है। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया है, दो बेलन है, ठीक है, दो बेलन है और उनका त्रिज्या का अनुपात दे दिया है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात भी दे दिया है, ठीक है, तो उनके आयतन का अनुपात निकालना है। चलिए तो हम क्या करते हैं, अनुपात निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, पहले बेलन की त्रिज्या इसको हम आर वन मानते हैं, क्या मानते हैं, पहले बेलन की त्रिज्या कितना दिया हुआ 1, अनुपात में दिया हुआ, अनुपात जब भी दिया रहा ना, जब भी अनुपात दिया है तो आप उसको मतलब क्या बोलते हैं,
एक्स है या वाई या कुछ भी मान लो, तो जैसे ये त्रिज्या दिया हुआ है तो हम इसको मान लेते हैं वन एक्स मान लेते हैं, ठीक है वन एक्स या सिर्फ एक्स मान लो, ठीक है। अब ऊंचाई दिया हुआ है तथा ऊंचाई एच वन बोलते हैं, ठीक है। फाइव दिया हुआ है फाइव, तो इसको एक्स नहीं बोलेंगे, फाइव वाई बोलते हैं, ठीक है। देखो वन एक्स टू एक्स फाइव वाई थ्री वाई ऐसे कर लेंगे, ठीक है हो गया। तथा दूसरे बेलन की त्रिज्या, दूसरे बेलन की त्रिज्या क्या होगा आर टू मान लेंगे, तो दूसरे बेलन की त्रिज्या क्या है टू है ना, तो इसको टू एक्स से बोल देंगे। और ऊंचाई कितना हो जाएगा थ्री वाई। अब क्या निकालना हमको अनुपात, यानी कि दो नंबर सवाल में आएगा ना तो आपको ऐसे बनाना है, नहीं अगर दो एक सिर्फ ऑब्जेक्टिव सवाल में आता है तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, बस आप जो मैं लिख रहा हूँ अब यहाँ पे अनुपात लिखना है, तो पहले बेलन का आयतन और दूसरे बेलन का आयतन अनुपात ऐसे लिखते हैं, पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन अनुपात निकलेगा ऐसे। तो पहले बेलन का आयतन, अच्छा बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो ये पहली बेलन तो आर वन मानते हैं एच वन मानते हैं, और दूसरे बेलन का पाई इसका भी तो वही फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इसको आर टू इसको एच टू, तो पाई पाई खत्म हो गया, ठीक है। तो देखिए आर वन कितना है जी, आर वन तो पता चल गया हमको एक्स से पता चल रहा, स्क्वायर तो हम क्या करें एक्स स्क्वायर करते हैं, ठीक है। एच वन कितना है, एच वन हमारा देखिए फाइव फाइव है, आर टू कितना है टू एक्स है, स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और एच टू कितना है थ्री वाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, अब देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं और फाइव वाई से रहने देते हैं, ये कितना हो जाएगा दो दुना चार एक्स स्क्वायर हो जाएगा और थ्री वाई, देखो एक्स स्क्वायर कट गया वाई वाई कट गया, कितना बचा पांच बटा चार तीजा बारह हो गया ना, इसलिए अनुपात क्या हो जाएगा फाइव अनुपात बारह, ये हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव सवाल में आता है तो कुछ करने की जरूरत है, दोनों को फॉर्मूला बैठा करके आप डायरेक्ट यहाँ पे एक्स नहीं भी मानेंगे ना, डायरेक्ट अगर आ जाए ऐसे तो क्या करेंगे, देखो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच बटा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई पाई कट जाएगा, तो इसका आर कितना वन है तो वन का स्क्वायर डायरेक्ट कर देना, एच कितना है फाइव है तो फाइव एच एच स्क्वायर आर स्क्वायर, ये मतलब दूसरा प्लान हुआ था, दूसरा प्लान का आर कितना है दो, तो दो का स्क्वायर चार और कितना एच तीन, तो देखो ऐसे भी करोगे तो पांच बटा बारह आ जाएगा, ये आप शॉर्ट में बना सकते हो ऑब्जेक्टिव के लिए। चलिए अब जो सवाल है ये काफी इंटरेस्टेड है, देखो ये सवाल बोलता कि एक बेलन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन निकालना। अब बेलन का आयतन का फॉर्मूला आपको पता है, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, अभी हम पढ़ रहे थे पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई तो पता है आपको वैल्यू, आर का वैल्यू पता करना है, एच का वैल्यू पता करना है। अब यहाँ पे देखते क्या दिया हुआ है, लीजिए यहाँ पे तो परिधि दिया हुआ है ना, परिधि और 25 सेंटीमीटर दिया ऊंचाई, तो इससे पहले हम लोग बना थे वृत्त वाला बना थे, वृत्त में वही कंडीशन था, हमको पहले इसका परिमाप दिया होता, तो परिमाप से आर निकाले थे। यहाँ पे एक मोहरा क्या दिया है कि एक मोहरा ये है कि परिधि दे दिया है, जब परिधि दे दिया तो इसी से हम आर निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन जब भी दिया ना, कुछ ना कुछ कैसे बोलते हैं चोरी चोर चोर जब चोरी करता है तो कुछ ना कुछ छोड़ के जाता है, यही पे सवाल जब पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे परिधि दिया हुआ, इस परिधि से आपको आर निकालना है, ठीक है। तो हम लिखते हैं बेलन की परिधि कितना दिया हुआ है 132। अब बेलन की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा बेलन की परिधि बोले तो बेलन के आधार की परिधि, अच्छा बेलन देखिए यहाँ पे, ये अगर बेलन में बनाता हूं यहाँ पे, तो बेलन का आधार कैसा है, जो बेलन की जो आधार बनी हुई है ये कैसी है, एक वृत्त टाइप है ना, वृत्त टाइप का, अवृत्त की परिधि क्या होता है टू पाई होता है, तो बेलन की परिधि बेलन के आधार की परिधि मतलब वही हुआ, ये जो है ना बेलन के आधार की परिधि क्या है वृत्त वाला बोल रहा है, वृत्त वाला टू पाई आर और 132, तो यहाँ पे लिखते हैं टू पाई का वैल्यू 22/7, आर तो निकालना है 132। देखो यहाँ पे आप ऐसे भी काट सकते हो, मैं बताया था कि जब बीच में बराबर आ जाए तो ऊपर पर काट सकते हो, देखो 22 का पढ़ोगे 22×6=132 होता है, ठीक है, और 2 से काटोगे 2×3=6 होता है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये 7 भाग में है 7 बटे में है, तो जक्का होता गुना बन जाता है, तो 3×7=21 आर बराबर क्या हो गया 21 हो गया। अब क्या निकालते हैं, इसलिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू देखो पता चल गया हमको 21, तो 21×21 कर लेते हैं, और एच देखो यहाँ पे दिया 25,
तो आपको इस सवाल में ना खाली कैलकुलेशन करना पड़ता है 27। आप सबको गुना कर दो, ठीक है, इसको गुना कर, देखो 22 + 66 हो गया 21 × 25, तो इसको गुना कीजिए, ठीक है। गुना करेंगे तो इसका आंसर जो आपके पास आएगा वो काफी लंबा आने वाला है, 34,650 cm³, क्योंकि आयतन है। अब देखो इसमें मतलब क्षेत्रमिति में थोड़ा सा यही गुना वगैरह करना पड़ता है, ठीक है, तो ये सब तो आपके लिए तेजी है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं। ये देखो सवाल बोला गया शंकु से, एक शंकु की त्रिज्या दी हुई 5 cm तथा ऊंचाई 12 cm, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब जैसे सवाल बोलता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला यहाँ पे देखें कि पाई आर एल होता है, ये होता है वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या चीज दिया हुआ, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आर बराबर दिया हुआ है 5 cm और एच दिया हुआ है 12 cm, लेकिन एल नहीं दिया हुआ ना, चूंकि फॉर्मूला मतलब पाई आर एल होता है, और एल कैसे निकालते हैं, शंकु, जैसे मान लीजिए शंकु बनी हुई है, शंकु है इस तरह से, तो ये जो हमारा ये है ना, ये हमारा एच है और ये क्या है त्रिज्या है, तो हमारे ये जो कर्ण है ना ये इसी को बोलते हैं एल। तो एक देखो समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, ये जाके यहाँ पे क्या बना समकोण, तो कर्ण का कैसे निकालते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का ओवरऑल करते हैं, तो हम भी निकालेंगे, इसलिए एल बराबर क्या निकालेंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का ओवरऑल निकालेंगे। तो आपको पता भी है कि एल का वैल्यू कितना आएगा, चूंकि बताया हूँ बहुत बार, तो 12² + 5² 12² = 144, 5² = 25, तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, इसका वर्गमूल होगा 13, तो एल का वैल्यू 13 आ गया। अब वैल्यू 13 आ गया तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ अलग बोलता है और पूर्ण पृष्ठ अलग होता है, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, ठीक है। तो पाई का वैल्यू जानते 22/7 और आर का वैल्यू देखो दिया हुआ 5 और एल का वैल्यू कितना आया हमारा 13 आया, ठीक है, एल का वैल्यू कितना आया 13 आया। ओके, तो इसको गुना करें तो देखिए 22 × 5 = 110 हो गया, गुना 13/7, तो इसको गुना कर लो 13 को 0 गुना करें 0, 13 + 13 = 3, बाकी 1 × 13 = 14/7। अब इसको ऐसे सेंटीमीटर स्क्वायर या तो ऐसे रहने दो या तो आप पॉइंट मिला दो, जब ऐसे सवाल ऑप्शन जब ऐसे आंसर आ जाए आपका लास्ट में, तो इसको पॉइंट बदलने की कोशिश करना, तो 7 से डिवाइड करो, 7 × 2 = 14 और 0 × 7 = 28.28, इस तरह से आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है, जब भाग करोगे तो। चलो अब इसके अगला सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सवाल, ये सवाल है जी, तो थोड़ा सा ये लॉन्ग सवाल, ये इससे पहले जो सवाल मैं बताया था वो सब 2 नंबर टाइप का था, ये थोड़ा सा 5 नंबर सवाल में आता है या 4 नंबर वाला में, कि 3 cm व्यास का एक कुआं है, ठीक है, क्या है कुआं, और 14 cm गहराई तक खोदा गया है, तो मैं इसको डायग्राम से बताना चाहता हूँ कि डायग्राम से आप कैसे समझोगे। देखो यहाँ पे ये समझे कि एक कुआं ऐसे है, ठीक है, इसका व्यास कितना है, जैसे जैसे सवाल बोलते हैं फिगर बनाते हैं, जब भी फिगर बने तब बेहतर होगा, एक व्यास है इसका, ठीक है, मैं यहीं पे फिगर बनाता हूँ, चलो 3 cm व्यास का एक कुआं है, तो मान लेते हैं कुआं है 14 मीटर की गहराई तक जाता है, है ना, 14 मीटर की गहराई तक जाता है, ओके, तो 3 मीटर होगा सेंटीमीटर, 3 मीटर व्यास का कुआं है, मान लीजिए 3 मीटर व्यास का पूरा एक कुआं है 3 मीटर वाला, 14 सेंटीमीटर 14 मीटर की गहराई तक जाता है, यानी कि इसकी जो गहराई है कैसी है 14 मीटर तक है, ठीक है, मान लेते हैं किसकी गहराई कहाँ तक है 14 मीटर, इस तक कुआं है जमीन में। अब बोलता है इसकी इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हैं, मतलब कि ना कुआं खोदा गया है और 14 मीटर गहराई तक कुआं खोदा गया है, 14 मीटर तक, और कुआं को खोदा, जो कुआं जो मिट्टी निकला ना इसको चारों ओर का क्या फैला दिया, मान लेते कुआं इतना खोदाया तो पूरा तो जमीन ही होगा 4 मीटर तक, ये जमीन के अंदर में बता रहा हूँ, मान लें जमीन यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक जमीन है, जमीन के ऊंचा तक रहता है ना ये, तो यहाँ तक मान लो कि कुआं खोदा, यहाँ तक मिट्टी का क्या फैला दिया, क्या बोल रहा, इस निकली मिट्टी के कुओं को चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार, मतलब वृत्त के टाइप में ऐसे रूप में अरेंज कर दिया, ऐसे, ठीक है, ऐसे अरेंज कर दिया, कितना ऊंचाई 4 मीटर चौड़ी, 4 मीटर यहां से 4 मीटर चौड़ी, ये 4 मीटर चौड़ी, ठीक है, यहां से 3 है और इधर से 4 मीटर और चौड़ी चौड़ी सजा दिया है, वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार बांध बनाया गया, इस बांध की ऊंचाई निकालना। अब जो बांध जो बना है, यानी कि ये देखो ये जो बांध बना है ना, ये बांध, ये देखो ये क्या है,
ये मिट्टी फैला हुआ है और ये है कुआं, तो ये सब पूरा क्या है, पूरा मिट्टी भरा हुआ है, पूरा मिट्टी भरा हुआ है ठीक है। और जो जमीन में कुछ जो जो बड़ा है, जो जमीन पर पड़ा मिट्टी, इसकी ऊंचाई निकालना है। तो ये एक कैसा ये जो फिगर देखे कैसे दिख रहा है आपको, एक वलय के रूप में दिख रहा है, यानी कि एक इस तरह से होता है, एक इस तरह से होता है, वलय के रूप में। तो नीचे का दिया हुआ है और इधर का भी पता चल गया, क्यों, क्योंकि ये जो मोटाई कितना है, 4 तो बोल दिया, 4 मीटर चौड़ा है और यहाँ पे त्रिज्या जब व्यास जब 3 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो चलिए हम इसको लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं बेलनाकार कुएं की ऊंचाई कितनी दी हुई है, 14 मीटर ठीक है। और त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास तो 3 है तो त्रिज्या 3/2 मीटर हो जाएगा ओके। अब हम क्या करते हैं, देखो बेलन जो जो मिट्टी खोदाया है, अब जाहिर से बात है, सिंपल सी बात है कि यहां से यहां तक मिट्टी खोदा गया पूरा अंदर तक, तो जो मिट्टी निकलेगा वही मिट्टी यहाँ पे फैला है ना। और जो मिट्टी निकला वो क्या निकला, आयतन निकला, कुआं को पूरा खोदिएगा तो जो मिट्टी निकला वो क्या निकलेगा, आयतन निकले, तो पूरा आयतन मतलब भराट पूरा भरा हुआ वही आयतन होता है, तो पूरा आयतन निकला। तो हमको पता चला कि जो मिट्टी निकला उसका आयतन निकालते हैं और वही आयतन को यहाँ पे क्या किया, फैला दिया, मतलब जो फैला यहाँ पे इसका आयतन और जो कुआं से निकला मिट्टी उसका आयतन दोनों क्या है, समान है। तो पहले कुआं का आयतन निकालते हैं ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं इसलिए कुआं का आयतन, तो कुआं कैसा है, बेलनाकार है, तो हम फॉर्मूला बैठा लेंगे पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है, आर का वैल्यू दिया 3/2 स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे, और एच कितना दिया 14 देगा। इसको आप हल कर सकते हो, देखो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 7 × 2 = 14 काट लेते हैं यहाँ पे, 22/1 कट गया ना, 3/2 × 3/2 और ये क्या है 2 पर मेरा गया, 2 से इधर कट गया, ये 2 से इधर 11, तो 11 थे 33, 33 दिया 99, 33 दिया 99 मीटर, 99 मीटर क्यूब आयतन निकल गया कुआं का आयतन। अब यही मिट्टी जो है ना, यही मिट्टी फैला दिया यहाँ पे, क्या क्या फैला दिया, तो चबूतरा बन गया। अब चबूतरा बन गया तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, अब देखिए चबूतरा का जब आयतन निकालेंगे आप, तो चबूतरा भी कैसा बना, चबूतरा भी बना बेलन के टाइप पर, कैसे देखो, ये मान लें कि मिट्टी भरा हुआ, एक मान लें कुआं है ठीक है, तो चबूतरा कुछ ना कुछ तो ऊंचाई होगा ही ना, है ना, आपको नहीं दिख रहा जैसे मान की ऊंचाई होगा, कुछ ना कुछ तो बेलन की तरह बने, शकल कैसा बना, इसकी शकल कैसे बनी बेलन की तरह, तो ये आपका कुआं था, गड्ढा था, ये मुंह खुला पानी जिसमें मिले भरेगा ये है, और ये क्या है मिट्टी फैल गया, मिट्टी 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 फैल गया, और ये 4 मीटर ऊंचाई तक मिट्टी पूरा भरा हुआ है, तो कैसे इसका शकल कैसे दिख रहा, बेलन की तरह दिख रहा, तो जो इस बेलन में भरा हुआ मिट्टी है वो इस कुआं के अंदर जो मिट्टी निकला वही मिट्टी इसके अंदर भरा हुआ, मतलब दोनों का आयतन क्या है बराबर है। तो जब इस चबूतरा का जब आयतन निकालेंगे इसका, तो हमको बड़े त्रिज्या चाहिए ना बड़ा वाला, तो त्रिज्या चाहिए चबूतरा के लिए, तो ये पूरा निकालना पड़ेगा। और आपको पता है ये कितना दिया हुआ है, ये 3/2 अभी निकाले थे, 3/2 यहाँ पे है ना, और ये मोटाई 4, तो टोटल जोड़ देंगे तो पूरा हमारा चबूतरा का त्रिज्या निकल जाएगा। तो यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं चबूतरे निकलते हैं, चबूतरे की त्रिज्या कैसे लिखेंगे, तो 3/2 तो पहले छोटा सा दिया हुआ था, और 4 जो है क्या है 4 मीटर चौड़ी है, तो 4 मीटर चौड़ी इसको हम हल कर लेते हैं, 3/4 × 8, 8 × 3 = 11/2 ये क्या आ गया, इसको हम 5.5 लिख लो या इसके रहने दो ठीक है, ये हमारा आ गया। और बाकी छोटा तो कुआं के त्रिज्या तो जान रहे हैं, 3/2 है कुआं के त्रिज्या, तो क्या जान रहे हैं 3/2। अब क्या करते हैं, अब जो मिट्टी फैली हुई है अब कैसे एक वलय के रूप में बन गया, तो एक कहने का एक देखो अंदर में भी एक कुआं, एक देखो अंदर में बन रहा है ना, अंदर में छोटा सा बेलन बन रहा, और इसकी भी ऊंचाई वही 4, चूंकि जब इतना दूर ऊंचाई जब लेंगे 4, तो अंदर में जो कुआं हम 4 तक लेना है, तो अंदर वाला बाहर वाला बेलन का आयतन निकालते हैं ठीक है, और अंदर वाला जो बेलन है उसका आयतन निकाल के दोनों घटा देंगे, तो घटा देंगे तो फिर बचेगा ये पूरा जो भरा हुआ मिट्टी वही बचेगा ना। चलिए तो हम वैसे ही करते हैं, और अगर हम इसको घटाते हैं तो चलो पहले निकालते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसलिए, प्रश्न से हम क्या निकालते हैं, फैली हुई मिट्टी का आयतन निकालते हैं ठीक है, फैली हुई मिट्टी का आयतन यहाँ पे कितना आयतन भरा हुआ है, तब हम निकालेंगे ऊंचाई, पहले हम मिट्टी का आयतन निकालते हैं ठीक है, फैली हुई मिट्टी का आयतन, फैली हुई मिट्टी का आयतन,
अब आयतन कैसे निकालेंगे, तो पहले बड़ा वाला जो बेलन है यानी कि पाई आर स्क्वायर, इसको हम कैपिटल मान लेते हैं, ठीक, इसको हम करते कैपिटल, और ये हमारा जो आर निकला, स्मॉल आर तो पता है, ओह मैं तो उल्टा लिया, ये तो ठीक आर है, और ये जो आर निकला इसको मैं मान लेता हूँ कैपिटल आर, क्योंकि बड़ा है चबूतरा बड़ा है, इसको मैं मानता हूँ स्मॉल कैपिटल आर, ये बड़ी वाला, और जो अंदर है ये तो कुआं है, कुआं वाला छोटे आर, तो पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर क्या करेंगे घटा देंगे, तो पाई पाई लेते हैं यहाँ पे कॉमन, ठीक है, आर और एच भी कॉमन हो जाएगा क्योंकि ऊंचाई भी हो गई, और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये हो गया। अब देखिए जी पाई का वैल्यू तो आप चाहो तो बैठा लो, ओके, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखो पाई का वैल्यू, देखो ये जो एच है ना, एच है जो ऊंचाई हमको निकालना है जी एच, और ये जो मोटाई आपका चार दिया हुआ है, तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं बता रहा था मिट्टी का आयतन कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो मिट्टी यहाँ पे फैली हुई, मान लीजिए जमीन यहाँ पे जमीन है ये, इसके अंदर कुआं खोदा हुआ है 14 मीटर गड्ढा है कुआं, ठीक है, इसके नीचे जमीन के ऊपर मिट्टी फैला दिया चारों तरफ, ठीक है, तो ऊंचाई बन गया, तो अब हम मानते हैं इतनी दूर शंकु मान लेते हैं, बेलन इतनी दूर बेलन मानते हैं, तो ये अंदर में बेलन की ऊंचाई इतनी है और बाहर से बेलन की ऊंचाई इतनी है, लेकिन कितनी ऊंचाई पता नहीं है, ठीक है, और त्रिज्या हमको पता है कि बाहरी वाली त्रिज्या है 5.5 आया, और अंदर वाली त्रिज्या कितना है, इसको 1.5 भी लिख सकते हैं आधा, ठीक है, तो हम इसका निकालते हैं वलय का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, बाहर वाला बेलन का आयतन माइनस अंदर वाला बेलन का आयतन, तो बाहर की ऊंचाई वही है और अंदर वाली भी ऊंचाई वही है, तो हम क्या करते हैं पाई का एच, पाई का वैल्यू कितना है 22/7, एच को ऐसे नहीं देते, आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ 55 कैपिटल आर 5.5 का स्क्वायर, और ये दिया 1.5 का स्क्वायर, ठीक है, तो 22/7 इंटू एच, अब देखो 55 का स्क्वायर होता है 3.25, 55 का स्क्वायर 3025 होता है, इसका होता है 225, 2.25 लिख देंगे, ठीक है, अब 22/7 और इंटू एच, और यहाँ पे जब इसको घटाते हैं तो आ जाएगा 28, है ना, देखिए घटाइए जीरो में से 25 कट जाएगा तो बचेगा 28 7 4 28, तो 22 कितना हो गया, 22 4 88 एच सेंटीमीटर क्यूब हो गया, सॉरी मीटर क्यूब हो गया, 88 एच मीटर क्यूब हो गया, ये क्या हो गया मिट्टी का आयतन हो गया, तो अब हमको पता क्या चला कि जो मिट्टी यहाँ पे फैली हुई उस मिट्टी का आयतन, और जो कुआं से जो आयतन निकला है, कुआं से जो मिट्टी निकला यहाँ से, ये जमीन है ना, यहाँ से मिट्टी कहाँ से निकला, यहाँ से नीचे निकला मिट्टी, और हमको मिट्टी यहाँ पे फैला है, तो ये जो मिट्टी फैला है ना पूरा, ये जो मिट्टी अब हमको ये जो निकला 88 एच क्या निकला, पूरा मिट्टी का आयतन निकल, ये वाला ये पूरा, ये अंदर नहीं, ये पूरा भरा हुआ, पूरा भरा हुआ, ठीक है, आयतन निकल गया, अब हमको ये जो गड्ढा जो खोदे यहां से यहां तक, ये गड्ढा इसका आयतन इस मिट्टी के आयतन के क्या है, बराबर है, क्योंकि बोला यही मिट्टी यहाँ पे फैला दिया गया है, तो इसका जो गड्ढा का जो आयतन है, और गड्ढा का आयतन हम निकाले कितना, देखो कुआं का आयतन कितना निकाला 99, क्योंकि यहां से कुआं खोदा गया, मिट्टी फैलेगा तो जमीन के ऊपर ही मिट्टी फैलेंगे, जमीन के अंदर तो नहीं फैलेगा, जमीन के ऊपर मिट्टी फैलेगा, तो जमीन के ऊपर मिट्टी फैलेगा तो ये फैल जाएगा, अब ये है आपका नीचे, तो ये आयतन इस मिट्टी का आयतन के क्या है, बराबर है, लिखते हैं इसलिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे प्रश्न से नहीं, यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न से कि 99 = 88 एच, ठीक है, इसलिए एच बराबर क्या हो जाएगा 99/88, 11 9 99 11 88 9/8, ठीक है, 9/8 हो जाएगा, इसको आप डिवाइड कर लो तो आ जाएगा आपको 1.125 मीटर, ठीक है, इतना आंसर आ गया, यही इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है, अगर आपके पास कोई किताब देखे उसमें तो उसमें शायद मेरे ख्याल से मिस्टेक किया हुआ है, तो ये इसका आंसर सही होना सटीक, तो यही इसका होना चाहिए कि जो कुआं का जो मिट्टी फैला है, तो यहाँ तक मान लीजिए यहाँ तक मिट्टी फैला है, तो हमको ये जो ये वलय जो निकालेंगे तो वलय का तो यही फिर सूत्र यूज करेंगे, है ना, और जो इस बाहरी वाला जो वृत्त कुआं बाहरी वाला जो बेलन दिख रहा है उसकी जो ऊंचाई है, अंदर वाली जो बेलन है उसी की ऊंचाई सेम, तब तो वलय का आयतन निकालना पड़ेगा हमको। चलिए ये सवाल समझ आ गया, ये सवाल देखें, सवाल क्या होता है, एक लंब वृत्त शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है और आधार की त्रिज्या दिया हुआ है, तो गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका आयतन शंकु के आयतन के बराबर है, तो शंकु की ऊंचाई दी हुई कितनी 8.4 सेंटीमीटर, ठीक है, और आधार की त्रिज्या, तो शंकु आप जानते हैं इस तरह से शंकु बना होता है, देखिए इस तरह, तो इसकी आधार कैसी बनी हुई है, आधार एक वृत्त टाइप की बनी हुई है ना, तो और इसकी त्रिज्या दी हुई कितनी, आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है, अब बोलता है कि गोले की त्रिज्या निकालिए, जो गोले का जो त्रिज्या ज्ञात करना है, जो गोले का आयतन और शंकु का आयतन बराबर है, मतलब कि गोले का त्रिज्या निकालना है, लेकिन एक कंडीशन बोला गया है कि गोला का जो आयतन है शंकु का आयतन के क्या है, बराबर है, तो ऐसा करते पहले शंकु का आयतन निकाल लेते हैं, या तो प्रश्न से डायरेक्ट यहाँ पे हल कर लेते हैं, ठीक है, चलिए तो प्रश्न से हल करते हैं, क्या बोलता है कि गोले का आयतन इक्वल टू शंकु का आयतन,
गोले का आयतन बराबर है शंकु का आयतन, ये बोल रहा ना कि गोले का आयतन जो है शंकु का आयतन की क्या है बराबर है। तो गोले का आयतन फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³ होता है, ये गोले का आयतन होता है ठीक है। और शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h होता है। तो देखो 3 3 तो पहले खत्म हो जाएगा, पाई पाई को पहले खलास कर दो यहां से ठीक है। अब देखो क्या बचा 4r³, चूंकि हमको गोला का त्रिज्या पता नहीं है ठीक है, इसको r1 r2 मान लेते हैं ज्यादा बेहतर होगा, हमको पता ही नहीं है ठीक है। और ये जो शंकु है, शंकु का त्रिज्या कितना है, देखो शंकु त्रिज्या देते हैं 2.1, तो 2.1 × 2.1 चूंकि स्क्वायर है तो लिख लिए। और h कितना देखो 8.4 हो गया, यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करते हैं यहाँ पे r1 का क्यूब करते हैं, यहाँ पे 2.1 × 2.1 × 8.4 / 4। देखो 4 से काटो तो 4 से काटेंगे 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 4 इतना आ गया। अब देखिए इसको गुना मत करना, देखो r³ कितना आया 2.1 × 2.1 × 2.1 आया। अब आपको पता है जब क्यूब उधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, 2.1 × 2.1 × 2.1 का वर्गमूल बन जाएगा, यहाँ पे क्यूब घनमूल बन जाएगा, क्या बनेगा घनमूल। तो तीन घनमूल में क्या होता है, तीनों जो है तीन तीन जोड़ा मिला था, तीन जोड़ा वर्गमूल में दो दो जोड़ा मिला था, यहाँ घनमूल में तीन तीन जोड़ा, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, एक निकल जाएगा 2.1 cm। ये क्या हो जाएगा गोले की त्रिज्या हो जाएगी। ओके तो यहाँ पे लिखते हैं इसलिए गोले की त्रिज्या बराबर 2.1 cm, क्या हो गया इसका आंसर हो गया है ना, ये इसका आंसर हो गया ठीक है। तो कैसा लगा आपको, समझ में आया सवाल। एक सवाल सिर्फ ये बोला, थोड़ा पेचीदा सवाल था, इसको ध्यान से समझिएगा ठीक है। आपको ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया, मैं अगर नहीं आया तो फिर से बोलेंगे, मैं फिर से एक बार इसको अच्छे तरीके से बता दूंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे सिंपल सा मेथड ये है कि जो कुआं से, जो मान लें कि जमीन है ना, जमीन के नीचे से कुआं खोदा गया, ये जमीन है तो कुआं तो जमीन के अंदर ही खोदेंगे, तो इसका जो मिट्टी निकला ना यहाँ पे फैला दिया चबूतरा में, तो बोलता है जो चबूतरा में जो मिट्टी फैला था इसकी ऊंचाई पता कीजिए। इतना तो कन्फर्म है, जो मिट्टी खुदाया है उस मिट्टी का आयतन और जो चबूतरे में जो मिट्टी लगा है उस आयतन के क्या है बराबर है। तो चबूतरा का मिट्टी का आयतन कैसे निकालेगा, वलय का निकालना पड़ेगा, तो वलय के लिए हम यही रूल यूज करेंगे πr²-πr², यानी कि यहां इतना दूर तक, जो इतना दूर तक बेलन का बाहरी बेलन का आयतन और अंदर वाला बेलन का आयतन, तो इसकी ऊंचाई तो सेम ही है, क्योंकि जो अंदर के अगर ऊंचाई बोल दे ऐसे है और ऐसे दिया है तो ये ऊंचाई तो अंदर वाला बाहर वाला समान ही होगा, क्योंकि बेलन है, तिरछा थोड़ी ना बेलन है, तो जब समान है तो एच हमारा वही होगा। हम यहाँ पे निकाल लें मिट्टी का आयतन और ये दोनों आयतन आपस में क्या हो गया बराबर, तो हमारे ये आंसर हो गया ठीक है। तो फिलहाल वीडियो के यहाँ पे लास्ट करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, मजा आए तो लाइक वाइक करते रहना। ओके बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू।